हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल। मैं आज आपको सिखाने वाली हूं जेल पॉलिश कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि आप घर पे भी खुद भी कर सकते हो और आप अपने क्लाइंट पे भी कर सकते हो। तो इसमें लैंप यूज़ होते हैं, एलईडी है, यूवी है। मेरे पास दो एलईडी लैंप है और एक यूवी लैंप है। यूवी लैंप होता है, यूवी लैंप पुराना है पर अभी भी लोग यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर एलईडी करती हूँ, पहले मैं यूवी करती थी। यूवी में होता है कि ये जो लाइट लंबी आती है, जो हमारे ट्यूब लाइट्स में लगती है, ऐसी आती है अंदर, और एलईडी में होता है कि ऐसी छोटी छोटी लाइटनिंग आती है। तो ये होता है, ऐसा जो लैंप होता है वो आपको पेडीक्योर में ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पेडीक्योर में जब जेल पॉलिश लगाते हैं तो आपको ये लैंप अच्छा रहता है और ये हाथ के लिए भी अच्छा है। और इसको भी हम पे यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सारे अलग अलग यूज़ करती हूँ। आपको जो भी सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको तो दिखाती हूँ, पहले हम मैनीक्योर, जो ड्राई मैनीक्योर करेंगे। जेल पॉलिश में ड्राई मैनीक्योर होता है। अगर कोई क्लाइंट को मैनीक्योर प्रॉपर चाहिए तो समय जेल जल्दी से वो निकल जाता है, वो एक वीक या दो वीक ही रहता है वो। और दूसरा, हम जो ड्राई मैनीक्योर करते हैं वो आपको 3 और 4 वीक रहते ही रहता है। डिपेंड है क्लाइंट कौन सा काम कर रहा है। काफ़ी क्लाइंट के हाथ हमेशा पानी में ही रहते हैं तो उनको 2 वीक ही रहता है। काफ़ी क्लाइंट लाइक कंप्यूटर वर्क करता है तो उनको 3 या 4 वीक भी रहते हैं। डिपेंड है क्लाइंट के वर्क पे। जेल पॉलिश में यूवी लैंप के अलावा हमें और कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें फाइल चाहिए, बफर चाहिए, नेल पर्प और ब्राइंडर भी आता है, प्राइमर, बेस कोट एंड टॉप कोट जो जेल का आता है, एंड बहुत सारे जो भी आपको पसंद हो वो कलर और क्लीनर। जेल पॉलिश करने से पहले ड्राई मैनीक्योर करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के क्यूटिकल बहुत होते हैं, क्यूटिकल काटने भी पड़ते हैं। अगर आपको मैनीक्योर देखना हो तो मेरी पहले मैनीक्योर की वीडियो है, वो आप देख सकते हो। उसको बस पानी की जगह आपको जस्ट ड्राई मैनीक्योर करना है। तो आप ऐसे पहले ड्राई मैनीक्योर करो। मैं आपको आज इस पे दिखाऊंगी। और ग्लव्स पहनना भी ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट कर रहे हो तो ग्लव्स ज़रूर पहने जेल पॉलिश में। घर पे खुद करते हो तो फिर ठीक है। मैं आज आपको फेक नेल्स पे दिखाऊंगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो शायद मैं मेरे नेल्स, क्योंकि मेरे नेल्स अभी बहुत छोटे हैं तो मैं आज आपको फेक नेल्स पे दिखा रही हूँ। नॉर्मली हमारे नेल स्मूथ होते हैं तो जेल पॉलिश करने से पहले हमें हमारे नेल को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो रफ हम किससे करेंगे, बफर से करेंगे। थोड़ा थोड़ा बफर से नेल को आप रफ कर दो। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है पर प्रॉपर करें। जो भी स्मूथ पार्ट है नेल का वो निकाल दे। बहुत ध्यान से करें, क्यूटिकल पे ना लगे लोगों को। सारा स्मूथनेस निकाल दे। प्रॉपर तरीके से एकदम क्लीन करें। कहीं पे भी शाइनी पार्ट नहीं होना चाहिए, सारा रफ पार्ट होना चाहिए। फिर हम उसको क्लीन करेंगे ब्रश से क्लीन करें। आप कोई भी वाटर की चीज़ें ना लगाएं। और अब हम इस पे नेल पर्प लगाएंगे। वो बाइंडर भी होता है तो बाइंडर भी लगा सकते हो। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें जेल पॉलिश लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है। प्राइमर सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राइमर है, क्योंकि प्राइमर आपके नेल को डैमेज नहीं करता। दो टाइप के प्राइमर आते हैं, एक एसिड वाला प्राइमर आता है, एक नॉन एसिड आता है। तो आप एसिड वाला प्राइमर यूज़ करें क्लाइंट पे। पर कोई क्लाइंट प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। किसी को प्रॉब्लम हो नेल स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को पूछना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़, कोई एलर्जी नहीं है, तो ही आप नॉन एसिड वाला प्राइमर यूज़ करो। अदरवाइज़ आप एसिड वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हो। और प्राइमर याद रखें कि प्राइमर सिर्फ और सिर्फ नेल प्लेट पे ही, क्यूटिकल एरिया के पास बिल्कुल नहीं। जस्ट नेल प्लेट पे थोड़ा थोड़ा, जहाँ से क्यूटिकल स्टार्ट होते हैं स्किन के पास,
प्राइमर टच नहीं होना चाहिए। मैं काफ़ी लोग प्राइमर लगा के डायरेक्ट बेस को स्टार्ट कर देते हैं, मैं प्राइमर लगा के 5 सेकेंड के लिए लैंप में रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ड्राई हो जाता है। अब हम लगाएंगे बेस कोट। बहुत ही पतला लाइट को हम ड्राई करेंगे अब लैंप में 30 सेकंड के लिए। लैंप में हमने बेस को ड्राई कर दिया है, अब हम इस पे कलर लगाएंगे। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप लगा सकते हो। मैं इसमें क्लासिक रेड लगा रही हूँ जो एक पॉपुलर कलर है। रेड कलर हमारे इंडिया में बहुत ही, इधर भी लोग बहुत लगाते हैं रेड कलर। मेरे पास जो ये सारी जो जेल पॉलिश है वो यहाँ की कंपनी है, इटालिया की। दो कोट लगाएंगे, फर्स्ट एकदम पतला, अब हम 60 सेकंड के लिए लैंप में रखेंगे। सिक्सटी सेकंड हो गए हैं, अब हम दूसरा कोट लगाएंगे, वो भी पतला। जेल पॉलिश थिक नहीं लगाते हैं, जितनी हो सके उतनी पतली ही लगाएं। और काफ़ी कलर ऐसे होते हैं कि आपको 3 दफ़ा भी लगाना पड़ता है, तो आप 3 दफ़ा भी लगा सकते हो, पर ठीक ना लगाए वरना बम्प दिखेंगे। हो सके उतनी स्मूथ करें पॉलिश को नाइसली, कहीं पे भी थिक नहीं जेल दिखना चाहिए। साइड कवर करें, फ्रंट को ऐसे कवर करें। अब हम वापस 60 सेकंड के लिए लैंप में रखेंगे। 60 सेकंड के लिए हो गया है, अब हम इस पे टॉप कोट लगाएंगे। काफ़ी जेल पॉलिश में टॉप एंड बेस दोनों साथ ही आते हैं, तो आपको एक ही लेना होता है, तो आप वो बेस पे भी यूज़ कर सकते हो, टॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। पतला सा लगाए, हम लैंप पे रखेंगे अगेन 60 सेकंड के लिए। टॉप कोट में 2 दफ़ा लगाती हूँ कि अच्छी तरह से वो स्टे रहे हमारे नेल में। तो हम दूसरी दफ़ा भी टॉप कोट लगाएंगे। तो ये देखो काफ़ी सारे कोट आते हैं कि फिर नेल बहुत थिक हो जाता है, इसलिए हो सके उतना पतला ही लगाए। सेकेंड टाइम फिनिश हो गया है लैंप में, तो अब हम क्लीन करेंगे। मैं अब वाइपर भी होते हैं और मेरे पास ये वैक्स स्ट्रिप्स है, मैंने उसको काटा है और थोड़ा सा क्लीनर लेके इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे ऊपर का
जो भी स्टिकी पार्ट होगा वो निकल जाएगा। देखो एकदम क्लीन हो गया और नाइसली हो गया। ड्राइंग का टाइम भी नहीं होता है, क्विक होता है और बहुत शाइनी भी बहुत नाइस लगता है। और इसके बाद आप क्यूटिकल्स पे सब पे ऑयल लगा दे थोड़ा थोड़ा क्लाइंट को, तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, और थोड़ा सा आप मसाज भी करना हो तो दे सकते हो। तो ये हमारा जेल पॉलिश नेल फिनिश हो गया। हमारे जेल पॉलिश की वीडियो फिनिश हो गई है। बहुत ही ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।